नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे और आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की हमारी रेसिपी है रबड़ी मालपुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी रेसिपी। रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया था और उस 2 लीटर दूध से मैंने ये रबड़ी बनाई थी। और इस रबड़ी को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया है। इससे हम मालपुए बनाएंगे और इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी थी और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, तो ये हम इसके उसके ऊपर डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके मैदा ऐड करेंगे और जैसा चीले का घोल होता है वैसा घोल बना करके हम तैयार करेंगे। मैदा इसमें थोड़ी थोड़ी डालेंगे और जब ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर और मैदा डालेंगे। तो ये बैटर बना के मैंने तैयार कर लिया है और इस बैटर को बनाने के लिए मैंने 10 चम्मच मैदा डाली है इसके अंदर। और इसको अब हम ढक करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इससे मालपुए बनाएंगे। और यहां पर मैंने मालपुए के लिए चाशनी बना करके तैयार कर ली है। ये चाशनी मैंने 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी से तैयार की है। जैसी हम जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं वैसी ही। और ये चाशनी बनाने की रेसिपी मैं अपनी जलेबी के वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पे जाके देख सकते हो कि मैंने ये चाशनी कैसे बनाई। और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बैटर हमारा तैयार है मालपुए बनाने के लिए। मालपुए बनाने के लिए हमें मीडियम हॉट घी चाहिए, तो हम एक बार देख लेते हैं। ये डालने के बाद थोड़ी सी देर के बाद ऊपर आ रहा है तो ये परफेक्ट है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और जितने साइज के हमें मालपुए चाहिए हम उतना बैटर लेंगे और इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। और जैसे ही ये ऊपर आ जाए तो इनको हम पलट देंगे। और हम मालपुए अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो मालपुए सिक चुके हैं। अब हम इसको करछे से ऐसे दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा सारा घी निकाल देंगे। और इसको नीचे से और सिकने देते हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं।
और इन मालपुओं को भी सिकने देते हैं। और हम इनको पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो मालपुए हमारे सिक चुके हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और अब हम मालपुओं को डालेंगे चाशनी में। और इनको हम अच्छे से दबा देंगे ताकि चाशनी इनमें अच्छे से चली जाए। तो 2-3 मिनट के लिए इनको हम चाशनी में ही डूबे रहने देते हैं, उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं इन मालपुओं को चाशनी में डूबे हुए। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसको हम दबाते हुए इसी में डाल देंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे। तैयार है मेरे टेस्टी रबड़ी मालपुआ बनकर। तो आप लोग भी बनाइए इस दिवाली ये रबड़ी मालपुआ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही में दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।